अयोध्या कायस्थ विकास संस्था द्वारा गुप्त हरि घाट पर चित्रगुप्त भगवान के प्रकटोत्सव के पर्व पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शुरू हुआ। महाआरती समूचे वातावरण को भक्तिमय बना रही थी। पारंपरिक परिधानों में सजे धजे आचार्यों ने विधि पूर्वक पूजन अर्चन किया। जिले में पहली बार हुए इस आयोजन में समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में अपनी भागीदारी निभाई। महाआरती का श्री गणेश महंत विमल कृष्णदास के वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शुरू किया गया। सर्वप्रथम भगवान चित्रगुप्त जी की स्तुति की गई। तत्पश्चात महाआरती का आयोजन किया गया। आरती के उपरांत प्रसाद वितरण तथा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। अध्यक्ष अरुण कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि भगवान उत्सव का यह पहला सफल कार्यक्रम है। संगठन का प्रयास रहेगा कि प्रत्येक वर्ष भगवान चित्रगुप्त का प्रकट उत्सव और वैभव्यता के साथ मनाया जाए। होती है भगवान का पावन धाम है गुप्तार घाट। यहाँ पर भगवान श्री रामवीर सरकार ने अंतिम लीला की थी। कुटुम्ब सहित रघुवंश मणि अपने विष्णु स्वरूप को धारण किया था। तो यहाँ तो नित्य पावन आरती होती है, लेकिन आज की जो आरती भगवान की हुई है बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही दिव्य। क्योंकि आज कल राम उत्सव हमने मनाया, आज भगवान चित्रगुप्त भगवान का प्रकट उत्सव मना रहे हैं। हमारे पूरे विश्व में एक बहुत ही बुद्धिमान समाज है जिसे श्रीवास्तव समाज कहते हैं। आज के दिन उन्होंने गुप्तार घाट पर माता सरजू जी की, आज ही नहीं, हम तो लगभग 5 साल से इस आरती को करवा रहे हैं और हमारे पूर्वज लोग तो हजारों साल से आरती कर रहे हैं। तो इस परंपरा में ये हर वर्ष बड़े ही धूमधाम से भंडारे का आयोजन करते हैं और बड़ी ही सुंदर भगवान चित्रगुप्त भगवान की पावन आरती करते हैं। अभी हमने सरजू आरती का दर्शन किया, अभी हम लोग चित्रगुप्त भगवान की आरती का दर्शन करेंगे। सो है, इसलिए हम लोग यहाँ गुप्तार घाट पर हम लोग चित्रगुप्त जी का प्रकट उत्सव मना रहे हैं। और ये अयोध्या कायस्थ विकास संस्थान, पहले ये हमारी 110वीं आरती है। अलग अलग घरों में अलग अलग जगहों पे हम लोग करते आए हैं, सिर्फ इसलिए कि हम कायस्थ परिवार को एकजुट करके एक प्लेटफॉर्म पे लाएं, यही हमारा प्रयास है। अरुण श्रीवास्तव, अयोध्या से सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।